हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट हिस्ट्री। आवर टॉपिक इज़ हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री किसका अध्ययन है? हमारे बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय डिवाइडिंग द पास्ट इंटू ब्लॉक्स ऑफ टाइम। दिस इज़ कॉल्ड पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन समझ रहे हैं आप? इसको पीरियड में डिवाइड किया गया है इतिहास को, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री यू हैव रीड अबाउट इन एंशियंट हिस्ट्री इन सिक्स स्टैंडर्ड। इन सेवन स्टैंडर्ड यू विल रीड मेडिवल हिस्ट्री एंड एट स्टैंडर्ड यू विल रीड अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। इज दैट क्लियर? एंड हिस्ट्री हैज़ इन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। अध्ययन हेल्प करती है इतिहास को जानने के लिए, उसका विश्लेषण करती है इतिहास का। नाउ मेडिवल पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री? मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्ट्रेचेस फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी सीई। मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 8th टू 18th सेंचुरी। कीप इट माइंड, वी विल रीड अबाउट मेडिवल हिस्ट्री। Our focus is medieval period. Is that clear? This is further divided into early and later medieval period. अब जो हमारा medieval period है उसका time period 8th to 18th century बताया गया है। अब इसको आगे फिर divide किया गया है early and later medieval period. Early medieval period is from 8th to 13th century CE and the later medieval period time period is 13th to 18th सेंचुरी CE is considered to be later medieval period. Early medieval period में we can see the rise of Rajput followed by Muslim inventions into India. इन योद्धाओं का, राजपूत लोग आए थे, मुस्लिम invention हुए थे। And later medieval period great Delhi सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। वी कैन सी द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। वी विल रीड अबाउट दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर इन अर्लियर चैप्टर। जेम्स मिल, अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, हैज़ डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पीरियड्स। जेम्स मिल के हिस्टोरियन थे, उन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड क्रिश्चियन पीरियड। दिस डिविजन हैज़ इट्स फ्लॉ। दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन डिटरमाइंस हिस्ट्री। ये किस पर आधारित है? धर्म पर, हिंदू धर्म पर, मुस्लिम पर एंड क्रिश्चियंस पर। इन दिस टाइम पीरियड, इन मेडिवल पीरियड, मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन दिस थाउजेंड ईयर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। काफ़ी चेंजेस हुए थे मेडिवल टाइम पीरियड में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी विच लेड टू मेजर डेवलपमेंट। What are they? We will discuss now. The medieval period was a period of change in every sphere, political, social, cultural, religious and economic. Time period में जो changes हुए थे we will discuss. कई राजपूत योद्धा आए थे, वो क्या थे? योद्धा थे। और वो किसके लिए लड़ते थे? अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। काफी आक्रमण भी हुए थे इस टाइम पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ गोर, उन्होंने भी इंडिया को लूटा था। और ये किसको मार्क करता है? इस्लाम धर्म। इसके ही द्वारा, इनके आक्रमण के बाद इस्लाम इंडिया में आया। फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय मोहम्मद ऑफ गोर। कीप इट माइंड बेटा, जो फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर था इंडिया में वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? मोहम्मद ऑफ गोर। और बाद में हमारे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड। वी विल रीड दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर इन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। द इन्वेंडर्स, ये जो आक्रमणकारी थे ये क्या लेकर आए? न्यू आइडियाज, नए नए विचार, न्यू रिलीजन्स एंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। नए नए धर्म आए हमारे इंडिया में, अलग अलग लोगों की, अलग अलग जो लोग आए उनकी सोचने की अलग अलग टेक्निक थी, उन्होंने अलग अलग विचारधाराएं दी। इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो फ्लोरिश हुई थी अंडर द मुगल्स, मुगलों के काल में, एंड दे लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो किसकी कल्याण के कार्य करते थे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते थे. न्यू टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस, नई नई तकनीकी आई, लाइक पर्शियन व्हील इन फार्मिंग, फार्मिंग में पर्शियन व्हील का, एंड द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग टेक्सटाइल. कई मैनी फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, जंगलों को काटा गया किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड इन इंडिया, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी भारत में फैले, और वो किसका उपदेश देते थे, लव का, प्यार का, एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान को समर्पण का. यूरोपियंस आए थे टू ट्रेड एंड ग्रेजुअली एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन इंडिया, और उन्होंने अपने भारत में पैर जमा लिए थे. यूरोपियंस ने व्यापार के लिए आए थे,